Assalamoalykum friends, welcome to my channel Mehnaz Kitchen. Friends, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत लजीज एग पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. फ्रेंड्स, जब हम एग पराठे का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक बात आती है कि ओहो, ये तो बहुत ही टफ है. तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स. इतना भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर खुद पराठे बनाने में कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, फ्रेंड्स इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है. जैसे मैंने इसको इजी टिप्स के साथ बनाया है, आप भी ऐसे ही बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, पराठा बनाने के लिए जो मेन चीज हमें चाहिए वो है आटा. और हमने आटा पहले ही गूंद के रख लिया है 10-15 मिनट्स के लिए. इसको हमने रेस्ट पे रख दिया था, अब हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है. अब एग पराठे बना रहे हैं फ्रेंड्स हम, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अंडे. वो हमने ले लिए हैं. जितने पराठे आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप अंडे ले सकते हैं. फ्रेंड्स, हमने एक प्याज लिया है, इसको फाइन चॉप कर लिया है. थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको भी बहुत बारीक काट लिया है. फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है. इसको हम मिक्स करेंगे ऑमलेट बनाने में. काली मिर्च पाउडर लिया है यहाँ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है. पराठे सेकने के लिए हमने यहाँ देसी घी लिया है. इसको ऐसे पेड़ा बनाएंगे, इसका रोल करेंगे ऐसे, और सूखे आटे में दोनों साइड से, और फिर इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे. देखिए, इसको राउंड शेप में बेल लेते हैं. फ्रेंड्स देखिए, हमने ये रोटी की तरह, जितनी साइज की रोटी होती है उतना हमने इसको बेल लिया है. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, देखिए इस टाइप से. देखिए, अच्छे से घी लगाएंगे एकदम बढ़िया से. फिर हम इसको ऐसे, ये ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे घी के साथ. ये देखिए, ये सेमी सर्कल में हो गई हमारी रोटी. अब हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे थोड़ा सा. अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये हमारी ट्राइंगुलर शेप में. ये देखिए, इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे. इसको बेलेंगे अब. ये देखिए, देखिए हमारे ट्रायंगल शेप में हमने. अब इसको हम तवे पे सेकने के लिए रखेंगे. तवा हमने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था पहले ही, और हमारा तवा अब गर्म हो चुका है. इस पे हम ये अपना पराठा डालेंगे. ये देखिए ऐसे, इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है. इसको पलटेंगे हम ऐसे करके. तब तक हम अपने ऑमलेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं. यहाँ हम एक बाउल में थोड़े से प्याज डालेंगे. ये धनिया पत्ती डालेंगे थोड़ी. थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे. ये हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें काली मिर्च. अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. मुझे थोड़ा पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ. एक एग डालेंगे ब्रेक करके इसमें. सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट. अच्छा, विस्क की हेल्प इसको मिक्स करेंगे. ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको. देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा. तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पराठा हमने हल्के स्लो पे इसको थोड़ा सा सेका है. अब देखिए, ये बीच में से हमने जो इसको फोल्ड किया था तो इसी वजह से किया था, ताकि इसकी लेयर्स में ये हट जाए. अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमने ये अपना एग, ये जो हमारा एग है, अब इसमें हम इसको ऐसे धीरे धीरे कर फैला के डालेंगे. ये देखिए ऐसे, अब इसको धीरे धीरे ऐसे डालते रहिए. ये देखिए, और बहुत ध्यान से डालिए कि ये जो एग है ये बाहर ना आ जाए ना तवे के ऊपर. तो ऐसे बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बहुत इजी. ऐसे आप बनाएंगे तो आपको बहुत
कोई मुश्किल नहीं बनेगी इसको बनाने में। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा एग पसंद है तो आप दो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने एक ही डाला है यहाँ। अब इसको हम ऐसे करेंगे और इसको हम प्रेस करेंगे। अभी हमारा जो फ्लेम है वो स्लो है, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करिए और थोड़ा मीडियम कर लीजिए अपना, ये देखिए, ताकि हमारा एग बाहर ना निकले। इसको दबा दीजिए ऐसे, ये देखिए अभी तक हमारा बाहर नहीं निकला है, ये मीडियम कर दिया है मैं अपना, क्योंकि हमें अंडे को पकाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर अपना ये देसी घी लगाएंगे। पहले हम साइड्स में लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, फ्लेम को लो रखेंगे एकदम, ऐसे स्प्रेड करिए इसको घी को, ये देखिए। अभी हम इसको टर्न नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद टर्न करेंगे। इसको दबाएंगे कॉर्नर्स को ताकि अंडा हमारा बाहर ना निकले। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये जो पराठा है, थोड़ा थोड़ा देखिए ऊपर से अंडा पक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है ये। अभी हमने टर्न नहीं किया इसको। चलिए फ्रेंड्स इसको अब टर्न करते हैं। ये देखिए धीरे से टर्न करेंगे इसको, ये देखिए इधर से कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया हमारा। इसको दबा दबा के स्लो फ्लेम पर यहां से भी सेकेंगे। देखिए इसके किनारे अच्छे से दबा के सेकिए ताकि किनारे कच्चे ना रह जाएं। देखिए देखिए कितना क्रिस्पी हो गया हमारा एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी ऐसे क्रिस्पी करेंगे हम इसको, देखिए ऐसे। मीडियम पे थोड़ा हमने कराया अपना फ्लेम, मीडियम और स्लो पे ही हमें इसको सेकना है पराठे को क्रिस्पी की वजह से। फ्रेंड्स पराठे एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ही मजे से खाना पसंद करते हैं, लेकिन पराठे गर्मा गर्म और क्रिस्पी होने चाहिए। तो पराठों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि पराठे जो है फुल ऑफ क्रिस्पीनेस हो, तो उसका खाने का मजा ही अलग है। तो इस टाइप से आप सीखिए स्लो फ्लेम पर, तो पराठे हमेशा क्रिस्पी ही बनेंगे। ये देखिए थोड़ा और सेक लेते हैं, 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि स्लो पे सेक रहे हैं हम इसको। हमारा देखिए पराठा फूल रहा है, इसका मतलब हमारा अंडा जो है अंदर से कुक हो चुका है अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स इसको टर्न करके देखते हैं कि उस साइड से हमारा कैसा पराठा सिका है। ओह बहुत बढ़िया सिक रहे हैं, देखिए क्रिस्पीनेस भी पूरी फुल ऑफ क्रिस्पीनेस इस पराठे में। चलिए अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं गर्मा गर्म। फ्रेंड्स इसको हम काट के देखते हैं कि हमारे अंडा जो है कैसे पकाया। आवाज़ आ रही है काटने में ही, ये देखिए देखिए काटने में ही कितनी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। और ये गर्म बहुत है और देखिए अंडा एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अंडा अच्छे से कुक हो चुका है अंदर से एकदम बढ़िया से, जैसे हमें चाहिए था, और एकदम क्रिस्पी भी है, गर्म है बहुत अभी पराठा हमारा। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है ये एग पराठा बनाना। तो फ्रेंड्स आप इसे गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी एग पराठे की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और लाइक भी करें। फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।